हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आयो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ना आप लोगों से बात करने वाला हूँ मीटर के ऊपर। आप लोग मीटर कब चेंज करवाते हो? जब आप मीटर तभी आप चेंज करवाते हो जब आपकी जो मीटर की मशीन होती है किलोमीटर वाली जो स्पीड बताती है, या तो वो खराब हो जाए मशीन, या उसकी स्विच टूट जाए तब आप चेंज करवाते हो। और जो कि नॉर्मल जो मीटर आता है 500-600 से नीचे कोई मीटर नहीं आता आज के टाइम पर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ मीटर की मशीन के ऊपर, जो कि हीरो की ओरिजिनल है, काफ़ी सच्ची है, बहुत ही ज़्यादा सच्ची है, जो कि अलग से निकालती है कंपनी, अलग से बनाती है, जिसकी कि आपको वो पूरा मीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हीरो का ओरिजिनल अलग से मीटर की मशीन खरीदिए और उसको उस जगह फिट करवा दीजिए, पुराने को निकाल दीजिए, तो आपका मीटर वही की वही सेम हो जाएगा पूरा, देखिए कि आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे पास कौन सी गाड़ी की है? ये है मेरे पास स्वच्छ हीरो की HF डीलर्स की गाड़ी की मीटर की मशीन, जो CD डीलर्स में भी आ जाएगी, HF डीलर्स में भी आ जाएगी और स्प्लेंडर में भी आ जाएगी। लेकिन स्प्लेंडर की जो मीटर की मशीन आती है वो भी अलग से आती है, उस पर स्प्लेंडर लिखी हुई आती है और उसका थोड़ा कलर जो आता है मीटर की मशीन की प्लेट का वो अलग होता है। और स्प्लेंडर के नाम से अगर आप मीटर की मशीन लेते हो तो वो थोड़ी महंगी भी आती है, उस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लेना। बाकी मैं एंड में वीडियो में लगा दूंगा स्प्लेंडर की मीटर की मशीन के बारे में कि कितने की है, क्या है, वो आप लोग जाके देख लेना वीडियो में कि कितने की कैची है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ HF डीलर की मीटर की मशीन के बारे में, जो कि हीरो की ओरिजिनल है, क्या पार्ट नंबर है, क्या रेट है और क्या डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफ़ी सच्ची है, बहुत से लोग आपको जल्दी खरीद लेते हैं, इसलिए अलग से मीटर की मशीन आती है, तो जिसकी आपको पूरा मीटर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वो लाल बटन जरूर दबा दिया करो, साथ में ऑल का भी बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियो वो आप मिस नहीं कर सको। तो बिना कुछ देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास हीरो की ओरिजिनल HF डीलर की मीटर की मशीन, CD डीलर में भी आ जाएगी, HF डीलर में भी आ जाएगी। अब इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ जल्दी से। पार्ट नंबर MRP मैं बाद में बात करूँगा, तब से पहले मैं आपको को खोल के दिखा देता हूँ कैसी होती है HF डीलर की मीटर की मशीन। तो कुछ ऐसी निकलती है पन्नी में, अब पन्नी को भी अनपैकिंग कर लेते हैं, निकालते पन्नी से ही बात। काफ़ी हैवी पन्नी की तरह दी जाती है, जिससे कि चूई वगैरह जो है वो शेप रहे इसमें, टूटे करे नहीं। तो कुछ इस टाइप की होती है HF डीलर की मीटर की मशीन। ये किलोमीटर लिखा हुआ है और रीडिंग इसकी सारी जीरो है, बाकी की ये शूई है इसकी, और इधर कुछ नंबर वगैरह डले हुए हैं। एंड अब नीचे की साइड देख लेते, नीचे की साइड इसका कलर का स्पॉट लगा हुआ आया है, और ये भी कलर की स्पॉट है। और इस पर देख लेते क्या लिखा है, इस पर जी H3 लिखा है कुछ, और देख लेते इधर लिखा है इस पर F1, तो ये कुछ कंपनी का लिखा हुआ आया है। एंड कुछ इस टाइप की होती है पूरी जीरो। इसमें मीटर की केबल लगती है आपकी, जो कि मैकेनिक होता है पहले ही मीटर की केबल इसमें चेक कर लेता है, लगा के कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सही काम कर रही होती है तो वो फिटिंग कर देता है, अगर नहीं कर रही होती है तो आप एक्सचेंज भी करवाते थे। आप दुकानदार से कहते थे कि जी भाई साहब आपकी मीटर की मशीन काम नहीं कर रही है तो हमें दूसरी दे दो। इसलिए लगने से पहले मीटर में आप पहले कुछ चेक करवा लो मीटर केबल से, मकैनिक से कह के कि इसको एक बार पहले चेक कर ले बाहर से, फिर इसको मीटर में लगाएं। तो कुछ इस टाइप की होती है HF डीलर की मीटर की मशीन। इसमें एक कलर और आता है जो कि ब्लू कलर की और आती है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर वीडियो बना दूंगा। बाकी का इनमें जो कप की अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ कलर पसंद है, किसी को कुछ कलर पसंद है, जिनकी गाड़ी में जैसा कलर आता है वो वैसे ही डलवाते हैं। अब इसके पार्ट नंबर और MRP की बात कर लेते हैं कि कितने की है, क्या रेट की है। तो इसका जो पार्ट नंबर है वो है 37210KST951S, इसका पार्ट नंबर है। प्रोडक्ट स्पीडोमीटर COMP, मैन्युफैक्चरिंग डेट 10/2021, यानी कि 8/2021 इसकी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। नेट क्वांटिटी 1N, मॉडल HF डीलक्स लिखा हुआ है इस पर साफ, और MRP है 300 रुपये। काफ़ी सच्ची है यार, इतनी महंगी भी नहीं है। आई थिंक अगर स्प्लेंडर की होती इस जगह तो स्प्लेंडर की 485 के करीब है, 485 MRP के करीब है। और आप वीडियो में देख लेना, मैं एंड में लगा दूंगा उसके वीडियो, तो आप चेक कर लेना चैनल पे जाके। बाकी का ये बार कोड वगैरह है और GNS SMS UPI कोड वगैरह कुछ नंबर वगैरह, जिसकी कि आप चेक कर सकते। अब ये आपको कितने में मिलेगी, क्या इस पर डिस्काउंट है कि नहीं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ।
तो वीडियो में मैंने आपको दिखा तो दिया HF डीलर की मीटर की मशीन के बारे में कि पार्ट नंबर है और थोड़ा ब्लैक कलर का निकलता है, और एक प्लेंडर का भी मीटर की जो प्लेट का होता है वो कलर का अंतर आता है, इसलिए लोग जो उनके गाड़ी में कलर होता है वही वाले परचेज करते हैं। लेकिन डीलर के नाम से अगर आप मीटर की मशीन लेते हो तो आपको ये 300 रुपये की MRP है, तो आपको ये 300 रुपये में ही मिलेगी 300 में, कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, ये रेट पर ही रेट जाते हैं, इसमें इतना बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं है। बाकी का जो 2021 की पैकिंग डेट है, और अगर आज की नई डेट होगी तो थोड़े बहुत बढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे। तो 300 रुपये में क्या दिक्कत है यार, ओरिजिनल तो मीटर की मशीन तो मिल रही है आपको, तो इसको आप परचेज कीजिए और पुराने को निकाल के उसको फिटिंग करवा दीजिए, तो बाकी की पूरी बॉडी वगैरह जो होता है वो भी फिट हो जाएगा आपका, और आपका मीटर अच्छा काम करने लगेगा, तो आपको पूरा मीटर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि अच्छी लगी वीडियो, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहा कि आप लोग वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही हो और इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। इस वीडियो को नहीं एंड करते हैं, तो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।